नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर के वीडियोस यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज का वीडियो कुछ अलग है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इनलाइन पंप, रोटरी पंप और CRDI पंप के बारे में। किसान साथियों, आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि तीनों पंप में से कौन सा ज्यादा बेस्ट है, और आज की तारीख में CRDI पंप जो कि अभी सभी कंपनियां लाने वाली है, तो ये कैसा है, हमारे लिए कैसा रहेगा, क्या इस पंप की खासियत रहेगी और क्या कुछ इसके अंदर परेशानियां आपको होने वाली है। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर के वीडियोस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में इन तीनों ही पंप का कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, क्योंकि हर किसान भाई की जरूरत अलग अलग होती है, इसीलिए सभी के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है पंप की। किसान भाइयों, आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको पता लगे कौन सा पंप आपके लिए बेस्ट है। किसान साथियों, अब बात करते हैं तीनों ही पंप के डिजाइन कैसे हैं और हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, उसी के साथ तीनों की वर्किंग किस तरह से होती है। सबसे पहले बात करें इनलाइन पंप की, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो के अंदर, इसके अंदर हर पिस्टन में डीजल पहुंचाने के लिए अलग अलग प्लंजर्स लगे होते हैं और हर प्लंजर एक पिस्टन से कनेक्ट होता है। इसके अंदर सारे प्लंजर्स जो होते हैं वो इनलाइन में होते हैं, यानी कि एक लाइन में सेटअप होते हैं, इसीलिए इसे इनलाइन पंप कहा जाता है। अब बात करें रोटरी पंप की। किसान भाइयों, इसका जो साइज होता है वो काफी कॉम्पैक्ट यानी कि छोटा होता है। इसके अंदर एक ही प्लंजर होता है जिससे हर पिस्टन तक डीजल जाता है, यानी कि एक ही जो प्लंजर है वो रोटरी मोशन यानी कि रोटेट करता रहता है और आपके हर पिस्टन तक डीजल पहुंचाता है। इस तरह से इसके अंदर एक ही प्लंजर सारे पिस्टन तक डीजल पहुंचाने का काम करता है, इसीलिए इसको रोटरी पंप कहते हैं। अब बात करें CRDI पंप की। अगर CRDI पंप की बात करें तो इसके अंदर काफी सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे कि प्रेशर पंप, कॉमन रेल, ECU यूनिट और सेंसर्स। इन सभी के कॉम्बिनेशन को हम CRDI कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपको वीडियो के अंदर CRDI पंप के चार कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे। पहला कंपोनेंट है पंप, जिससे कि फ्यूल टैंक से डीजल आता है, और आपके कॉमन रेल यानी कि जो सेकंड नंबर पर आपको दिख रहा है उसके अंदर फ्यूल जाता है, वहां पर प्रेशर मेंटेन होता है। उसके बाद में आपका फ्यूल पिस्टन तक जाता है, लेकिन वहां पर सेंसर्स लगे होते हैं जो कि पता करते हैं कि कब इंजन को फ्यूल चाहिए। उसी हिसाब से ECU यूनिट कंट्रोल करता है सारे सेंसर्स को। तो इन चारों के कॉम्बिनेशन को CRDI यानी कि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम कहा जाता है, और ये चारों एक साथ काम करते हैं। किसान साथियों, अब आपको बताते हैं कि तीनों पंप के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या एडवांटेजेस। अगर इनलाइन पंप की बात की जाए तो इस पंप को अगर आप लेते हैं तो आपको अच्छी खासी पावर मिलती है, वहीं इसके अंदर लीकेज की समस्या नहीं होती और इस पंप का मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम होता है, यानी कि लो मेंटेनेंस यह होता है। और सबसे खास बात इस पंप की यह होती है कि अगर आपके ट्रैक्टर में डीजल खत्म हो जाता है तो इसके अंदर एक प्रेशर फिल्टर दिया जाता है, जिसकी मदद से एयर निकाल के कुछ ही मिनटों में अपने ट्रैक्टर को आसानी से चालू कर सकते हैं। इस पंप की एक खासियत और होती है, अगर आपका पंप खराब हो जाता है किसी वजह से तो इस पंप की रिपेयरिंग कॉस्ट और इसकी जो रिपेयरिंग की मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो काफी कम होती है, और इसके जो इंजीनियर्स होते हैं वो भी आसानी से हर जगह पर मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं रोटरी पंप की। रोटरी पंप दिखने में काफी कॉम्पैक्ट साइज यानी कि छोटा होता है, इसीलिए यह आसानी से कम जगह में फिट हो जाता है। अगर आपके ट्रैक्टर में रोटरी पंप होता है तो आपके ट्रैक्टर का जो साउंड है वो काफी कम आता है, यानी कि स्मूथ साउंड इसका होता है। क्योंकि रोटरी पंप में एक ही प्लंजर्स होता है तो यह काफी हाई प्रेशर के माध्यम से फ्यूल को पिस्टन्स पर स्प्रे करता है, इस कारण यह फ्यूल की बचत करता है और आपका ट्रैक्टर अच्छा माइलेज देता है। किसान साथियों, रोटरी पंप के अंदर टाइमिंग का कोई भी इश्यू नहीं होता है, यानी कि इस पंप की टाइमिंग खराब नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर एक ही प्लंजर होता है। अब बात करते हैं CRDI पंप की। किसान साथियों, इसके अंदर जो फ्यूल है वो कंट्रोल होके जाता है, यानी कि आपका ट्रैक्टर कितने लोड पर या फिर कितनी स्पीड में चल रहा है उसके हिसाब से इसके अंदर फ्यूल जाता है, जिससे ज्यादा लोड होने पर आपका ट्रैक्टर अच्छी पावर लगाता है और कम लोड होने पर फ्यूल की बचत करता है। क्योंकि CRDI पंप काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, तो ये आपके ट्रैक्टर की आवाज को भी कम करते हैं, उसी के साथ स्मोक यानी कि धुआं भी कम देते हैं, जिससे कि पोल्यूशन नहीं होता। CRDI पंप्स आपको कम RPM पर भी अच्छी पावर देते हैं, इस कारण आपके फ्यूल की बचत होती है
और पावर भी अच्छी खासी मिल जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर चीज के कुछ फायदे तो कुछ नुकसान होते हैं। सबसे पहले इनलाइन पंप की बात करते हैं। इनलाइन पंप के अंदर टाइमिंग का इश्यू आपको देखने को मिलता है, यानी कि इस पंप की टाइमिंग थोड़े दिन में खराब हो जाती है, तो आपको इसकी टाइमिंग मेंटेन करवानी होती है। उसी के साथ यह इनलाइन पंप थोड़ा फ्यूल ज्यादा बर्न करता है, क्योंकि इसके अंदर हर पिस्टन में डीजल पहुंचाने के लिए अलग अलग प्लंजर्स होते हैं, तो भाई यह फ्यूल थोड़ा ज्यादा बर्न करता है। अगर इस पंप के अंदर वाटर मिक्स फ्यूल यानी कि वाटर मिक्स डीजल अगर जाता है तो इस पंप को काफी नुकसान होता है और आपको इसकी मेंटेनेंस जल्दी करवानी होती है। इसीलिए ध्यान रखे वाटर मिक्स डीजल इसके अंदर ना जाए। चलिए अब बात करते हैं रोटरी पंप की। इसके अंदर आपको हमेशा ही क्लीन डीजल यूज करना होता है। अगर डीजल गंदा होता है तो इसके अंदर परेशानी होती है। उसी के साथ इसके अंदर अगर आपके फ्यूल टैंक में डीजल खत्म हो जाता है तो स्टार्टिंग करने में काफी प्रॉब्लम होती है, एयर ले लेता है फ्यूल सिस्टम, तो आपको काफी परेशानी होने वाली है। अगर यह पंप खराब हो जाता है तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा होता है। उसी के साथ इसके मैकेनिक्स भी आसानी से नहीं मिलते। इसके अंदर आपको पावर की थोड़ी कमी देखने को मिलती है अगर हम कंपैरिजन करें इनलाइन पंप के मुकाबले। अब बात करते हैं CRDI पंप की। क्योंकि यह पंप एडवांस टेक्नोलॉजी का है तो इसके अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट आपको ज्यादा मिलेगी। उसी के साथ इसके जो इंजीनियर्स है वो काफी स्किल होने चाहिए, यानी कि उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो इसे ठीक कर पाएंगे। इसीलिए इसके इंजीनियर्स थोड़े कम देखने को मिलते हैं। उसी के साथ क्योंकि CRDI टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी है तो आपको ट्रैक्टर भी थोड़े महंगे मिलते हैं, यानी कि अगर आप नॉर्मल ट्रैक्टर की बात करें तो उसके मुकाबले 50,000 टू 1 लाख ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको CRDI इंजिन्स को खरीदने में। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के कॉन्टेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं।